जयंदीप, तो बहुत सारे भाई पूछ रहे थे कि मतलब जो अग्निवीर का रिजल्ट है वो कब आने वाला है, फिजिकल कब से स्टार्ट हुआ होगा, फिर उसके बाद सर नॉर्मलाइजेशन होगा या नहीं होगा, मतलब क्या होता है नॉर्मलाइजेशन। ठीक है, तो आइए बताते हैं, इस वीडियो में बात करते हैं कि मतलब वो फिजिकल आपसे कब स्टार्ट, मतलब आपको कब स्टार्ट होगा फिर, या फिर रिजल्ट कब आने वाला है। तो भाई मतलब आर्मी अग्निवीर रिजल्ट 2024, ठीक है, रिजल्ट डेट कब आएगा, ठीक है, रिजल्ट मतलब कब आने वाला है, तो समझिए। मतलब देखिए, रिजल्ट आपको ना जो मतलब रिजल्ट मैक्सिमम 20 से 25 के बीच में आपका रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है, 20 से 25 मई के बीच में। उससे पहले नॉर्मलाइजेशन के बारे में आपको 18 तारीख को ज्वाइन इंडियन आर्मी के साइट पे जाकर देख सकते हैं कि मतलब आपका कितना नंबर बढ़ा है या कितना नंबर घटा है। ठीक है, अब आई मतलब पहले बता देते हैं कि नॉर्मलाइजेशन क्या होता है। नॉर्मलाइजेशन मतलब देखिए, मतलब वो जो भी होता है 22 तारीख से लेकर 3 मई तक एग्जाम पड़ा है। ठीक है, तो मतलब वो किसी मतलब बहुत सारा शिफ्ट होता है, शिफ्ट में मतलब कुछ ऐसा क्वेश्चन होता है कि मतलब बहुत सारे मतलब शिफ्ट में क्वेश्चन हार्ड भी होता है, क्वेश्चन ईजी भी होता है। ठीक है, मतलब उसी के आधार पर आपको नॉर्मलाइजेशन किया जाता है, मतलब कि हाँ मतलब वो क्या होता है क्या नहीं होता है। ठीक है, तो आइए बताते हैं कि मतलब वो फिजिकल स्टार्ट कब से। तो फिजिकल आपको जून से स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, फिजिकल आपको 24 जून के आसपास में स्टार्ट है। जो फर्स्ट होगा वो अमेठी में होगा। ठीक है, मतलब फर्स्ट जो चरण में फिजिकल स्टार्ट होगा वो अमेठी में होगा। ठीक है, और आगे बताते हैं मतलब कितने प्रश्न वाले सेफ स्कोर में। तो भाई आप जीडी से हो या फिर ट्रेडमैन हो या फिर क्लर्क हो या फिर स्टोर कीपर हो या फिर नर्सिंग असिस्टेंट हो, ठीक है, तो भाई जितने भी हैं, अगर आपका 25 क्वेश्चन अगर सही हो रहा है, ठीक है, 50 क्वेश्चन में अगर 25 क्वेश्चन सही, मतलब कोई भी ट्रेड का हो, ठीक है, ऑल ट्रेड, मतलब अगर 25 क्वेश्चन सही हो रहा है तो भाई आप अपना रनिंग में स्टार्ट कर दे। क्योंकि मतलब देखिए, 24 जून से फिजिकल स्टार्ट है, रिजल्ट भी आया नहीं, रिजल्ट का डेट 20 से 25 के बीच में आपको रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। ठीक है, हर हाल में मतलब, और 18 तारीख को मतलब ये पता चल जाएगा कि 18 तारीख को शाम 5 बजे आप ज्वाइन इंडियन आर्मी पे जाके मतलब वहां पे लिखा रहेगा सी डे वाली रिजल्ट। ठीक है, वहां पे आप जाके देख सकते हो कि मतलब नॉर्मलाइजेशन में आपको कितना नंबर बढ़ रहा है, कितना नंबर घट रहा है। ठीक है, उसके बाद देखिए, हाँ, सेफ स्कोर क्या होगा, सेफ स्कोर बताया, अगर आपका 25 क्वेश्चन सही है तो आपको फिजिकल में अभी से लग जाओ, क्योंकि टाइम कम मिलने वाला है। ठीक है, जो जो गया का है या फिर बिहार से है वो फिजिकल के लिए मतलब अभी से लग जाए, ऐसा मत सोचे कि हाँ रिजल्ट आएगा तब वो फिजिकल स्टार्ट करेंगे। ठीक है, मतलब अभी से लग जाए, क्योंकि रिजल्ट के बाद आपको 1 से 1.5 घंटे टाइम मिलेगा फिजिकल के लिए। ठीक है, फिजिकल भाई इसका टफ होता है, मतलब ये नहीं समझना है कि मतलब 100 100 बंदा 100 100 का बैच लग रहा है और उसके बाद उसमें फिजिकल निकाल लेंगे, क्योंकि मतलब आज से जब अग्निवीर नहीं था तो उसमें 400 400 बंदा का बैच लगता था, 350 बच्चे का मतलब बैच लगता था। ठीक है, उसमें आपको 20 25 किसी किसी भी 18 15 बच्चा पकड़ा जाता था। ठीक है, तो मतलब ऐसा मत सोचे कि हाँ जिसमें अगर 100 बच्चा है तो मतलब इसमें फिजिकल आ जाएगा, भाई तैयारी करो, कंपटीशन टफ होने वाला है, क्योंकि टाइम आपका कम है मिल रहा है। ठीक है, तो अगर भाई किसी को फिजिकल की तैयारी करना है तो इस नंबर पर, नीचे नंबर दिया हुआ है स्क्रीन पे, ठीक है, इस नंबर पे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद।